हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत पेटोज एंड पेट क्लिनिक पुणे से बोल रहा हूँ। मैं एक स्मॉल एनिमल क्लिनिक के है हमारा, और इसमें हमने आजकल जनरली देखा है कि बहुत सारे जो पेट ओनर्स हैं उनकी कंप्लेंट है कि जैसे हमारा डॉग का टेम्परेचर काफ़ी गर्म लग रहा है, वो टच करके देखा है डॉग थोड़ा सा स्लो हो गया है। और वैसे हम सभी को पता है कि जैसे भी ये समर सीज़न है तो सारे डॉग्स का बेसिकली जो होता है अर्ली आवर्स में वॉक होना चाहिए, अर्ली आवर्स में खाना होना चाहिए या फिर इवनिंग, क्योंकि आफ्टरनून में जनरली हम लोग पेट्स को क्लिनिक में लेके जाना या बाहर ले जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली समर में टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। और हमने देखा है कि जैसे भी उस दिन एक केस आई थी कि हमारा डॉग, उनका फ़ोन आया कि डॉग एकदम शांत शांत बैठा हुआ है और वो डॉग फैक्ट्री में था, तो वहाँ से जब उन्होंने देखा कि थोड़ा शांत है तो जब वो क्लिनिक पे लेके आए तो मैंने उसे जब एग्जामिन किया तो 103 के आसपास उसका टेम्परेचर था। फिर हमने एसी ऑन किया था अंदर के कमरे में जिसका टेम्परेचर 22 के आसपास हमने रखा हुआ था। फिर 5-10 मिनट के बाद में जब वो थोड़ा डॉग की पैंटिंग कम हो गई और हमने देखा कि वो ज़मीन पे फर्श पे आराम से सोया हुआ है, ओनर को भी काफ़ी चेंजेस दिखे। हमने देखा कि उसका जो टेम्परेचर है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो थर्मामीटर है इसके, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ टचिंग से नहीं, क्योंकि जनरली उनका 102.5 तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कई लोगों को पता नहीं रहता है कि 102.5 मतलब बहुत बुखार समझा जाता है। बेसिकली थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर दिखाता है। जनरली क्या होता है, जितना छोटा बच्चा रहेगा उसका टेम्परेचर उतना हाई रहता है। और सबसे बड़ी बात होगी क्लाइमेट और आप जहाँ रखा हुआ सराउंडिंग, जैसे ही हमने उसे उसके टेम्परेचर पे 22 से 25 के बीच में रखा तो काफ़ी चेंजेस थे। 101.3 तक उसका नॉर्मल था एंड डॉग वॉज वेरी हैप्पी। सो मेरी बस यही एक सबसे रिक्वेस्ट है कि टच से ज़्यादा आप थर्मामीटर से उसका अगर टेम्परेचर लेते हैं, और समर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उन्हें थोड़ा सा कूल टेम्परेचर में रखिए, पानी काफ़ी ऑफर कीजिए और खाना अर्ली आवर्स में दीजिए। थैंक यू।